when we go out, we are not prepared to have that conversation because हम कभी expose ही नहीं हुए उन चीज़ों पर. अब मैं एक वो बंदा हूँ जो पाकिस्तान से बाहर बैठा है. Why would I invest in a country that doesn't have the frame structure to support me? Government impositions आई हैं, 12 mills बंद होगी पाकिस्तान की सबसे बड़ी. तो जब आपके ज़ाती मुफादात पहले आ जाते हैं ना कौमी मुफादात से, फिर वो कौमें इस तरह नहीं चलते हैं. आपकी टेक्सटाइल मिल्स यूज़ टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर आफ्टर द एग्रीकल्चर इकानमी. गवर्नमेंट इम्पोजिशन आई हैं, 12 मिल्स बंद होगी पाकिस्तान की सबसे बड़ी. तो जब आपके ज़ाती मुफादात पहले आ जाते हैं ना कौमी मुफादात से, फिर वो कौमें इस तरह नहीं चलती, वो फिर इकनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं चलता. इसी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? सलीम वहीद. सैयद कमाल. क्या करते हैं सर आप? मैं इस पर काम कर रहा हूँ एक आर्किटेक्चरल और डिज़ाइनिंग फर्म में. फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है अगर आप सच और गलत एक अलहदा बात है, एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन इजहार राय का हक होना ये हर बंदे की एक जो है ना वो बेसिक राइट्स हैं. तो आप किसी को बैन नहीं कर सकते अगर आप उससे जो है इख्तलाफ करते हो व्हाट्स एवर व्हाट द रीज़न इज़. अगर आपको आपकी फॉल्ट लाइन नज़र आ रही है ना कि जहाँ पर आपको डिसएग्री किया जा रहा है दुनिया के साथ, आप उसको यूज़ करो, आप उसको एड्रेस करो, बजाय उसके कि आप कंटेंट क्रिएटर्स को एम्पावर करो कि यार इस चीज़ को एड्रेस किया जाए. बजाय इसके कि हम उस वॉइस को दबाना चाहें, हम अपने ही लोगों को जो है ना नावाकिफ़ कर रहे हैं एक चीज़ से. तो व्हेन वी गो आउट वी आर नॉट प्रिपेयर टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन बिकॉज हम कभी एक्सपोज ही नहीं हुए उन चीज़ों पर. तो आई थिंक कि किसी भी प्लेटफॉर्म को जो कि एजुकेटिव है, जो कि इन्फॉर्मेटिव है, वहाँ उसको बैन करना एक पाकिस्तान के लिए एक नेगेटिव इमेज है. सबसे पहली चीज़ है कि इंस्टीट्यूशंस, आपके पास इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जिसका फ्रेम स्ट्रक्चर हो. आपके बैंक्स हों, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हों, आपकी फंडिंग के कोई क्रेडिट ब्यूरो हो जो कि उसको सिस्टमाइज करे. जब कोई कंपनी अपने पैसे लगाती है तो उसको सर्टेंटी चाहिए होती है. आप सर्टेंटी की बात करें, आप डॉलर के रेट देख लें, आप फ्यूल की प्राइसेस देख लें, आप पॉलिसीज़ देख लें, तो आपकी जो है वो जब सर्टेन नहीं है तो इन्वेस्टर को फिर आरओआई नज़र नहीं आता अपना कि उसको रिटर्न कैसे मिलेगा. मिसाल के तौर पे अगर मैंने कहीं पैसे लगाए हैं और वहाँ वो नुकसान हो जाता है या वो यूज़ नहीं होते फॉर इंटेंडेड पर्पसेस, मेरे पास कोई इदारा नहीं है जिसको मैं कंप्लेन कर सकूँ. क्या मैं पुलिस में जाऊँगा? क्या मैं जो है वो जुडिशरी सिस्टम में जाऊँगा? अब मैं एक वो बंदा हूँ जो पाकिस्तान से बाहर बैठा है. व्हाई वुड आई इन्वेस्ट इन अ कंट्री दैट डजंट हैव द फ्रेम स्ट्रक्चर टू सपोर्ट मी और माई राइट्स? तो फिर क्या होता है, फिर वो इंडिया जैसे कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर है, कंज्यूमर लॉबी है, वहाँ पे खाने वाले हैं, वहाँ पे आपका आईटी का हब है, वहाँ पे चीप लेबर है, वहाँ पे आपके पास स्किलफुल लेबर है. तो जब आप वो मिक्स देखते हैं ना तो फिर इंडस्ट्रीज भी प्रेफर करती हैं उसको कि जहाँ प्रोड्यूस करे वहीं कंज्यूमर हो, आपकी लॉजिस्टिक्स वगैरह हर चीज़ मैटर करती है. तो अगर पाकिस्तान को अगर उस लेवल तक जाना है तो पहले आप एक फ्रेम स्ट्रक्चर दें, आप एक श्योरिटी दें, देन आप ऐसी पॉलिसी मेकिंग करें कि पाकिस्तान से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ईजी हो. अब आप आईटी एक्सपोर्ट देख लें, द ओनली सेक्टर इन पाकिस्तान दैट इज़ वर्किंग, द रीज़न इज़ गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, उसको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा आपके फ्रीलांसर्स को. तो जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन आती है वी सी कि वो मार्केट जो है वो ड्विंडल करके ख़त्म हो जाती है. आपकी टेक्सटाइल मिल्स यूज़ टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर आफ्टर द एग्रीकल्चर इकानमी. गवर्नमेंट इम्पोजिशन आई हैं, 12 मिल्स बंद होगी पाकिस्तान की सबसे बड़ी. तो जब आपके ज़ाती मुफादात पहले आ जाते हैं ना कौमी मुफादात से, फिर वो कौमें इस तरह नहीं चलती, वो फिर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं चलता. इस अगर आप सेक्टर बाई सेक्टर देखें तो अगर खाली एक तो पहले आप उनकी एक जो वजह है ना कि लोग वहाँ पे इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं. चाइना में इंडस्ट्री इसलिए जा रही थी कि वहाँ पे लोग ज़्यादा थे, लोग ज़्यादा होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी, लोगों के अंदर भूख थी कि अगर वो सर्वाइव करना चाहते हैं तो दे हैव टू वर्क. तो इसी तरह इंडिया में भी जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वहाँ की गवर्नमेंट के भी कुछ लैकिंग्स हैं जहाँ पे इस तरह की जो कह लें कि आवाम की सपोर्टिंग में नहीं है, तो वहाँ पे भी आहिस्ता एम्प्लॉयमेंट की नीड बढ़ रही है. तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो चीज़ भी देख रहे हैं और इसलिए अपनी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं. फिर जिस तरह सलीम ने बताया कि उनको लॉजिस्टिक्स कैटर करने के लिए उनकी प्रेफरेंस होती है कि वहीं पर ही प्रोड्यूस करके वहीं पर ही सेल किया जाए. एक तो रिसोर्सेज पे पहली बात आ जाती है ना, आप सिर्फ एक सेम कल्चर और उस सिमिलर इकॉनमी कह लें आप उसको अगर थोड़ा सा पाकिस्तान से कुछ कॉन्टेक्स्ट में, तो वहाँ के अब जिस तरह रिजर्व्स जो हैं दे आर लाइक क्वाइट अलॉट देन आर्स. वहाँ के 573 बिलियन डॉलर्स हैं, हमारे सिर्फ 3 बिलियन डॉलर्स पे रह गए हैं. तो ऐसे सिनेरियो में कौन लाइकली है कि जिनके पास रिसोर्स ज़्यादा हैं वो इन मामलों में प्रोएक्टिव होंगे या वो जिनके अपने लाले पड़े हैं? तरफ आऊँगा, आप मुझे ये बताएं जो मौजूदा इस टाइम करंट टाइम चल रहा है, हम पूरी दुनिया के नक्शे पे हम किस नाम से जाने जा रहे हैं?
देर वॉज अ टाइम जब पाकिस्तान की एक इमेज अच्छी थी, हम यूएन में प्रोएक्टिव थे, हम बोस्निया के मिशंस कर रहे थे, हम वन ऑफ द हाईएस्ट पार्टिसिपेटिंग यूएन इकोनॉमी कंट्री थे। लेकिन इस वक्त जो है ना, वो एक तो हम अगर करप्शन का इंडेक्स देखें, हम 21 रैंक्स अप किए हैं उसमें रिसेंटली। आप अगर ईज़ ऑफ बिजनेस का इंडेक्स देखें तो आप 5 रैंक जो हैं वो लास्ट ईयर से गिरे हैं। तो आपका अपना जो बंदा है वो बिज़नेस नहीं कर पा रहा, आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आपके इस साल लास्ट ईयर 800,000 लोग जो कि स्किलफुल थे वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। तो अब आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो बाहर चले गए हैं, आपका इधर का बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर रहा। तो आई थिंक पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि हमेशा जो है ना, आई थिंक परसेप्शन ये है कि मदद मांगने के लिए आते हैं या फंड्स लेने के लिए आते हैं। हम उन कंट्रीज़ में से नहीं रह गए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं जा रहे हैं तो कोई म्यूचुअल बेनिफिट का कोई एग्रीमेंट करके आए। इट्स मोस्टली कि हमें क्या मिलेगा और हम उससे क्या रिटर्न्स ले। इंडिया की जब एनेक्सेशन हुई थी कश्मीर की, इमरान खान के टाइम पे जब उन्होंने मर्ज किया था कश्मीर को अपने साथ, तब उन्होंने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पॉलिसी सामने रखी थी। उन्होंने पहला स्टेप ये था कि टू माइग्रेट इंडियंस इन टू द कश्मीर। उन्होंने कहा कि हम एक, अब देखिए ना, अब मैं पंजाब में बैठा हूँ, मुझे किसी बलोची का नहीं पता, तो मेरे लिए एक डिफरेंस बहुत ज़्यादा है कल्चर का, उठने बैठने का। तो अगर कोई पंजाबी और बलोची मिक्स होंगे किसी पॉइंट पे आके, तब आके टॉलरेंस आ जाएगी, को एग्जिस्टेंस आ जाएगी। जैसे इंडिया में अभी मुसलमान और इंडियंस का काफ़ी, हिंदूज़ का एक है। तो पहली पॉलिसी ये, सेकंड ये कि उन्होंने जितने कश्मीरी सेना थ्रू आउट द इंडिया उनको पुश बैक किया कश्मीर में कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें। थर्ड चीज़ जो उन्होंने की, वहाँ पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए, वो सारा उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की, उन्होंने जॉब्स की। तो जो उनका यंग जो बच्चा था ना, जिसको तालीम नहीं मिल रही थी, उसको तालीम मिली, उसको तालीम मिली, फिर उसको आगे जॉबमेंट की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उसको इनकम मिली। तो वो बंदा फिर अपने रिसोर्स, अपने सप्लायर को क्यों उसके रेजिस्टेंस करेगा। तो आपने अगर किसी कौम को अपने साथ मिलाना है ना, तो आप उनकी बेहतरी करते हैं। तो इंडिया की जो ये पॉलिसी है ना, आई फील के उसके बाद से कोई नैरेटिव शिफ्ट आया है। एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम योर बिहाफ? आई थिंक मेरा आखिरी मैसेज यही होगा कि यार, कौमों में रिवोल्ट आता है जब वो कौमें ना पिस जाती हैं, जब वो बिल्कुल दब जाती हैं। वो तब तक नहीं आता जब तक हर बंदे के ना मुंह में लुकमा भी जा रहा हो। तो हम वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो आखिरी लुकमा रुकेगा, हम में थोड़ी सी गैरत आएगी और हम इकट्ठे होंगे और हम बोलेंगे। तो ये इससे जो है ना बदतर से बदतर ही होना है। और जब वो रिवोल्ट आएगा ना, तो वो दुनिया देखेगी कि फिर हुक्मरानों का, ब्यूरोक्रेसी का, मिलिट्री का, किस तरफ जो है ना जुडिशरी का हाल होता है। क्योंकि आपको लगता है हमारे लाइफ स्पैन में वो टाइम आएगा? जिस तरह ये प्रोग्रेशन हो रही है, आपका डॉलर 300 पे जा रहा है, आपका एक आम जॉबियन जो है वो अगर 15% रेज लेता है और 30% इन्फ्लेशन होती है, वो साल भर सर अब इनकम होने के इंक्रीज़ के बावजूद गरीब होता जा रहा है, लोगों को रोटी नहीं मिल रही। तो बहुत जल्दी आई फील कि ये वक्त ज़्यादा दूर नहीं है कि पाकिस्तान में जो है ना लोग फाइनली इकट्ठे हों और सोचें कि यार उनके साथ हो क्या रहा है। तो मेरा मैसेज यही है कि ज़ाती मफादात छोड़ दें, डॉलर जो रखे हुए हैं दबा के अब निकाल दें, कौम होने का सबूत दें, मार्केट में फेंकें, ताकि रुपए की थोड़ी सी जो वैल्यू है ना वो स्टेबलाइज हो। अब आपका इंटरबैंक का और ओपन मार्केट का फ़र्क कोई नहीं रह गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।